पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर आज शुक्रवार को राज्य के तमाम जिलों में सुशासन दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न नई योजनाओं की शुरुआत की तथा पिछले सुशासन संकल्प वर्ष में सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया और वर्ष 2021 को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में करनाल रेंज के मंडल आयुक्त संजीव वर्मा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने बताया कि सुशासन दिवस पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी 22 जिलों के जिला मुख्यालयों, उपमंडल तथा ब्लॉक स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित मंत्रीगणों, सांसदों, विधायकों तथा प्रशासनिक अधिकारियों से संवाद किया और सुशासन के बारे में फीडबैक लिया और कहा कि आम जनता के जीवन को सरल करने का सुशासन एक माध्यम है। इससे आधुनिकता से जुड़ने तथा बदलाव लाने की एक नई दिशा मिली है। प्रशासन के काम में पारदर्शिता आई है तथा भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं की सराहना देश भर में हो रही है। इतना ही नहीं, भारत सरकार द्वारा अवार्ड देकर भी हरियाणा सरकार को सम्मानित किया जा चुका है। आने वाली 30 दिसंबर को अंत्योदय सरल केंद्र के माध्यम से दी जाने वाली बेहतरीन सेवाओं के लिए राष्ट्रपति के द्वारा हरियाणा सरकार को अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि करनाल जिला के गांव सिरसी से शुरू हुई लाल डोरा मुक्त गांव योजना को भारत सरकार ने अडॉप्ट करके पूरे देश में लागू किया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने करनाल प्रशासन की पूरी टीम के कार्य की सराहना भी की और उन्हें बधाई दी। अब इस योजना पर वर्तमान में 8 प्रदेशों में बड़ी तेज गति से कार्य चल रहा है। सुशासन दिवस के अवसर पर हरियाणा प्रदेश के 81 गांव के करीब 22,458 लाभार्थियों को डीड वितरित की जाएगी। सुशासन दिवस के अवसर पर स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में मंडलायुक्त ने प्रशासन के सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों को अवार्ड देकर सम्मानित किया तथा लाल डोरा मुक्त हुए गांव दरड़ के 11 लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के तहत टाइटल डीड वितरित की। वही कार्यक्रम में उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने मंडलायुक्त का स्वागत किया और पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया, अतिरिक्त उपायुक्त वीना हुड्डा, करनाल व इंद्री के SDM आयुष सिन्हा, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त गगनदीप सिंह सहित आदि कई मौजूद रहे। पारदर्शिता दी जा सके तो उसके बारे में आज ये दिन मनाया गया पूरे प्रदेश में, जिसमें डिवीजन स्तर पे और जिला स्तर पे, सब डिवीजन लेवल पे, तहसील लेवल पे, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है। और मैं जिला करनाल के डिप्टी कमिश्नर को बधाई देना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने जिले से ये शुरुआत की थी, लाल डोरा मुक्त योजना लेके आए थे, उसको पूरे प्रदेश में और इवन भारत के प्रधानमंत्री ने उसकी सराहना की है और उसको जो है कई प्रदेशों ने लागू किया है, उसको हरियाणा को एक मॉडल मान के। तो मैं उनकी पूरी टीम को, जिन लोगों ने इसमें काम किया है, उनको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो सर, अवार्ड भी दिए गए, डिप्टी कमिश्नर साहब को भी अवार्ड दिया गया है। हाँ, वो पूरा जो अवार्ड मिले हैं आज, वो इसीलिए मिले हैं कि उन्होंने अपने जिले में गांव को पहले अडॉप्ट किया था, उसको में काम किया था और अभी ये पूरे जिले में इस तरीके का काम चलाया जा रहा है कि लोगों को उनका स्वामित्व का हक मिला है। और इसके अलावा ये मॉडल यहीं तक नहीं रहा, इसको पूरे भारतवर्ष में अपनाया गया है और उसमें सारे हरियाणा की पूरी सराहना हो रही है। सर, जिस तरह डिप्टी कमिश्नर मेहनत करनाल को चमकाने का काम कर, आने वाले समय में करनाल की तस्वीर कैसी होगी? तस्वीर बहुत बढ़िया होगी। इसमें मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हर एक जिला हरियाणा का अच्छा काम करे और लोगों को उसके फायदा हो। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.